जी महाराज जी, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं इस ऐतिहासिक निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हम सभी के आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से सादर प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर के स्थानीय निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में आज कार्यक्रम के उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य श्री सीपी चंद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के प्रबुद्ध जनों में जिनका उद्बोधन आपको सुनने को मिला है, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमिताभ त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज श्री एस के अग्रवाल जी, गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर सी श्रीवास्तव जी, आईएमए के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री पुष्पदंत जैन जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी और भारी संख्या में महानगर और जनपद के विभिन्न नगर निकायों से उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मैं इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 2.5 घंटे से आप सब यहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की बातों को सुन रहे थे, इसके लिए आपका स्वागत करते हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां की जनसुविधाओं की बढ़ोतरी में निर्णायक साबित होंगे। इसके लिए आप सभी को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि